तो सबसे पहला चैप्टर है फोर्स, है ना, और मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे एक फोर्स होता है, सो इट कैन कॉज मोशन, सो फोर्स इज़ अ कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, एक बॉडी को, यदि बॉडी फ्री है एंड इफ़ यू अप्लाई द फोर्स एंड इफ़ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए ये हो गया, सो फोर्स कॉजेज दिस मोशन, तो ये हो गया। अभी दूसरा एक मोशन भी होता है, जैसे कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्री नहीं है, इट इज़ पाइवोटेड या इसका फिक्स्ड है यहाँ पर, इट कैन रोटेट, है ना, ऐसे करके लगाया हुआ है। तो अभी इसको यदि हम फोर्स लगा देंगे ऐसे करके, तो ये बॉडी जो है ऐसे करके ऊपर नहीं जाएगा, या यहाँ भी लगा देंगे तो ये फोर्स नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ हियर फिक्स्ड और पाइवोटेड एट अ पॉइंट एंड इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। तो क्या होता है ये, तो ये बॉडी ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन हो गया, तो दैट मीन फोर्स कैन कॉज रोटेशनल मोशन ऑल्सो। सो अभी ये जो पॉइंट है अबाउट इट इज फिक्स्ड बोल सकते हैं, तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। ये पाइवोटेड पॉइंट एंड वन एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि फोर्स कैन कॉज दिस टू टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। सो दिस रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स पाइवोटेड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, जिस फोर्स से वो कॉज रोटेशनल हो रहा है। ठीक है, तो ये 2020 में आया था ये डेफिनेशन, व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स। तभी इसको टॉर्क भी बोलते हैं, इसका सिंबल है टाउ। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या जो टॉर्क है वो दोनों एक ही है। ठीक है, तभी इसको मेजर कैसे करेंगे, है ना, कितना टॉर्क हो रहा है, इसका रोटेशनल इफेक्ट हम कैसे मेजर करते हैं, या इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो एक तो है वो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतने ज़्यादा रोटेशन यानी उसका इफेक्ट होगा। ओके, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हमको लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस कौन सा है वो आपको समझने का ज़रूरत है। कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जैसे ये फोर्स हमने ले लिया F1, ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ लग रहा है, तो और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स यहाँ लग रहा है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा, डी परपेंडिकुलर टू F2 का। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना टॉर्क कम होगा फॉर गिवन फोर्स। ठीक है, तो ये दो फैक्टर है। अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे हम फोर्स हमेशा इस तरह से नहीं लगाते हैं, है ना, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है एक बॉडी है यहाँ पर, इसको हम फोर्स ऐसा लगा दिए,
ये फोर्स ऐसा लगा दी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, आर ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आ गया। तो लेकिन डी परपेंडिकुलर ये, अब मान लीजिए डी और एफ का थीटा है एंगल बना रहा है ये डी, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यदि हम इसको देखेंगे रिलेशन, तो इस थीटा के साथ डी परपेंडिकुलर बाई डी इज इक्वल टू साइन थीटा हो रहा, सो डी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, है ना। तो अभी मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये वाला डी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, एफ डी साइन थीटा होगा। तो ये टॉर्क, एक्चुअली टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन हम क्लास 10 में एफ इंटू डी, सो थीटा हम 90 डिग्री ले लेंगे, ठीक है, कि ये हमेशा ऐसे करके ऐड कर रहा है, तो इसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। एंड एक्चुअली जनरली ऐसे होता है, तो बात एक ही है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो लेकिन कौन सा डिस्टेंस है आपको हमेशा रखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये आपको डिस्टेंस लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। तो यदि आप थीटा कंसिडर करते हैं जनरल केस में, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो तीन फैक्टर हो गया, फोर्स, डिस्टेंस एंड एंगल, ठीक है, साइन थीटा। तो लेकिन हम इसको हम ध्यान देंगे, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। अभी इसको जानते हुए, ठीक है, इसको जानते हुए हम यूनिट लिख सकते हैं। तो आपने डेफिनेशन समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, अभी हम यूनिट समझ लेते हैं। तो यूनिट के लिए एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला यदि आपको मालूम है तो यूनिट भी लिख सकते हैं, और फार्मूला बेस्ड जो यूनिट है वो आईसीसी में आने का चांस है। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, तो यानी कि ये ऐसा यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी फोर्स को डाइन में हम मेजर करेंगे और डिस्टेंस को सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर ये आ गया, तो ये सीजीएस यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। तो ये 2020 में भी ये आया था, अभी रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, वन न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 10^5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूटन को हमको डाइन में लाना है और मीटर को सेंटीमीटर, तब अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वन न्यूटन में 10^5 डाइन होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा, तो 10^7 डाइन सेंटीमीटर। सो ये रिलेशन हो गया जो 2020 में आया था, या इसको नेक्स्ट ईयर ऐसे भी आ सकता है, वन डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश न्यूटन मीटर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 10^-7 न्यूटन मीटर। तो ये यूनिट बेस्ड आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आईसीएससी में, तो फिर से आने का चांस है, ठीक है। तो आप अच्छा से इसको पढ़ लीजिए। अभी कभी कभी स्टेट द रिलेशन बोलेगा, तो डायरेक्टली आपको ये लिखना है, आइदर दिस और दिस। कभी इस्टेब्लिश द रिलेशन बोलेंगे तो यहाँ से ही वाला दिखाना, एक्चुअली कन्वर्ट करके दिखाना है, वो कन्वर्शन का भी आपको समझना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी दूसरे यूनिट भी है, जैसे ग्रेविटेशनल यूनिट बोलेंगे तो फोर्स हम केजीएफ में नापते हैं, और ये मीटर में, तो केजीएफ मीटर या ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो ये भी दूसरे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये भी, तो मेन देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का इंटू डिस्टेंस का, तो यानी कि न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर, केजीएफ मीटर, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो ये अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस आपको न्यूमेरिकल में आंसर लिखना, यूनिट लिखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका
टॉर्क का फॉर्मूला और फैक्टर्स हो गया और यूनिट्स हो गए, ठीक है। अभी जैसे देख लीजिए, अभी इसका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन में बताता हूँ। जैसे आपको ये नट को खोलना है, ठीक है, ये नट को आपको खोलना, तो आप क्या यूज करेंगे, है ना, रेंच यूज करेंगे। तो ये मेरे पास रेंच है, देखिए ये वाला। अभी इसमें इसको सेट करेंगे, इसमें है ना, इसको ऐसे सेट करेंगे, तो अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। तो हम, हमारा यूजुअल जो है, हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंस यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर फोर्स नहीं लगाते हैं। हमने देखा होगा हैंडल लास्ट में हम पकड़ के फोर्स लगाते हैं। तभी जब इसको यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर, और ये है आप मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स। अभी इसको यदि यहाँ पर कितना होगा, इसको खोलने के लिए इतना फोर्स लगता है, तो टॉर्क हो जाएगा 20 ग्राम फोर्स ले लेते हैं, है ना, या डाइन ले लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, यूनिट में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो 400 डाइन सेंटीमीटर, ये इतना आप लगने से खुल जा रहा है। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, अभी यहाँ कितना फोर्स होगा, ठीक है, तो कितना फोर्स होगा, अभी टॉर्क तो मुझे 400 चाहिए, उसको खोलना ही है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लगाना है मुझे मालूम नहीं। अभी मैं डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर में लगाना चाहता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर कम डिस्टेंस में, तो कितना फोर्स आ रहा है, देखें, फोर्स इज इक्वल टू 400 बाय 10, तो कितना हो जा रहा है, 40 ग्राम फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर 40 ग्राम फोर्स आ गया। अभी फॉर द गिवन मोमेंट, देखिए मोमेंट सेम लिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स सेम लिया है, ठीक है, तो मुझे 40 ग्राम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसको हमेशा याद रखिए, सो टॉर्क इक्वल्स टू एफ इन टू डी। सो 400 चाहिए तो मैं 20 में लगा सकता हूँ, और 400 ही चाहिए तो यदि मैं 10 में लगाना चाहता हूँ तो मुझे 40 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो एग्जांपल से क्या देख सकते हैं यहाँ पर, यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है, डिस्टेंस कम हो गया, देखिए डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ गया। तो इसलिए फॉर द गिवन टॉर्क लार्जर फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड द डिस्टेंस इज लेस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गिव रीजन में आपको समझ में आएगा। और टू अप्लाई लेस फोर्स, देखिए 20 लगाया, देन आई हैव टू अप्लाई दैट फोर्स एट 20 सेंटीमीटर टू हैव द सेम मोमेंट। सो फॉर गिवन मोमेंट ऑफ फोर्स, स्मॉलर फोर्स कैन बी अप्लाइड द लार्जर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब ये इसको हम नट को घुमाएंगे, है ना, तो हमारा टेंडेंसी क्या होता है, टेंडेंसी ये होता है कि यहाँ पर फोर्स लगाना, यदि हम यहाँ लगाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ज़्यादा फोर्स लगाना मतलब हमारे लिए डिफ़िकल्टी है, तो ईजी क्या है, लेस फोर्स। तो दैट्स वाई वी अप्लाई फोर्स द लार्ज डिस्टेंस। तो इसलिए इसका जो ये लेंथ जो ज़्यादा दिया है, इतना लेंथ नहीं दिया, इसका यदि और ज़्यादा लेंथ दिया होगा तो देन मोर कम्फर्टेबल, मीन्स मोर डिस्टेंस लेस फोर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए गिव रीज़न में। अब जैसे डोर में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ हिंजेस है, हैंडल यहाँ फिट होता है, सो दैट यू अप्लाई फोर्स हेयर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मैक्सिमम में लगाएंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो मिनिमम फोर्स, ठीक है, मोर डिस्टेंस लेस फोर्स, लेस डिस्टेंस मोर फोर्स फॉर गिवन मोमेंट। तो यहाँ भी दरवाज़ा खोलने के लिए टू ओपन द डोर
certain torque is required. So that can be achieved by applying least force when it is applied at the maximum distance. इसलिए ये जो डोर हैंडल है वो वहाँ पर दूर में फिटेड रहता है.